सो बेसिकली यूट्यूबर्स क्यू एन ए वीडियो तब बनाते हैं व्हेन दे आर आउट ऑफ कंटेंट। दैट्स राइट, एंड दैट्स व्हेन प्लान क्यू एन ए कम्स इन। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, आई एम नॉट आउट ऑफ कंटेंट। तो ऐसा बोलना बंद करो दैट कंटेंट की कमी है क्या, ही नहीं, मेरे पास बहुत कंटेंट है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो जिससे मेरी डेली बात होती है, उसको पता है दैट आई एम नेवर आउट ऑफ कंटेंट। हे आरजी, क्या मैं कभी आउट ऑफ कंटेंट होता हूँ? नोप, दैट शिट नेवर हैपेंस ब्रो। थैंक यू, सो दैट बीन क्लियर्ड, लेट्स मूव ऑन। देखो आ गए हैं पप, अब रहो मत रख, खेलो कूद रहो टफ, नहीं तो बन जाओगे जैसे पप। दिखता है क्यों, इसकी बारी है, अब हो जाओ सारे म्यूट। सो एक्चुअली मैं क्यू एन ए इसलिए कर रहा हूँ कॉज 10K पर कुछ तो अलग करना ही था ना, एंड काफी लोग बोल रहे थे क्यू एन ए के लिए, एंड आई थॉट दैट्स अ गुड आइडिया। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आई मीन स्टार्ट तो मैंने ऑलरेडी कर ही दी है, सो मतलब एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा दैट मैं सारे क्वेश्चंस पिक नहीं करूंगा। आई मीन इट्स ऑब्वियस कॉज इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता, एंड कुछ रिपेटिव है एंड कुछ लास्ट क्यू एन ए में आंसर कर दिए थे। एंड कुछ लोगों को पता नहीं क्यों लगता है अपुन ने इंस्टाग्राम पर पफ टॉक्स का पोस्ट देखा, क्यू एन ए पोस्ट, अपुन ने लाइक किया। बट अपुन एक फन फैक्टर वाला इंसान है, अपुन डीएम में क्वेश्चन पूछ पूछ के जान ले लेगा, बट यहाँ कमेंट में फन करेगा। इसलिए अपुन ने सोचा पफ टॉक्स के मोजे लिए जाएं। इसलिए अपुन ने क्वेश्चन पूछा, घर में बाथरूम है या ओपन में जाता है? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस तो मैंने क्यू एन ए में इंक्लूड करने थे। आई मीन यूज सम दिमाग, ऐसे क्वेश्चंस मैं क्यू एन ए में क्यों लूंगा? इसका आंसर तो तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए दैट मैं खेतों में जाके हगता हूँ। एंड ऑल्सो काफी बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे थे जैसे नेम, एज वगैरह, तो वो सब मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। दैट माई नेम इज राघव शर्मा, आई एम 20 years old, आई लिव इन जम्मू नॉट कश्मीर, आई मीन जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। एंड फिलहाल मैं बी कॉम कर रहा हूँ एंड वेट कर रहा हूँ कब कॉलेज वाले एग्जाम कैंसिल करो और डिग्री फेंक के मेरे मुंह पर मारे। तो आओ यार प्रश्नोत्तर स्टार्ट किए जाएं। हाउ मच आर्स यू स्टडी? अगर तुम सोच रहे हो मैं लॉकडाउन में पढ़ रहा हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो ब्रो, एंड इफ तुम लॉकडाउन में पढ़ रहे हो तो तुम बहुत गलत कर रहे हो ब्रो। हु इज योर इंस्पिरेशन? ऑड्स वन आउट। What's your opinion on corporation animation channel making animation videos? मेरे को तो वो videos बड़ी ही वाहियात लगती है, and if तुम लोग नहीं जानते वो कौन सी videos है तो वो इस channel की ऐसी videos है। But on the other hand, I think वो वही कर रहे हैं जो YouTube पर successful होने के लिए लोग करते हैं। Audience जैसी video देखेगी वो वैसी ही video बनाएंगे, वो चूतिया नहीं समझदार है। Is there any future in animations considering the financial side? Of course, हर चीज में future है सिवाय BCom के। Tell us your future plans for your channel as well as your life. तो channel पर मैं बस ऐसी videos डालता रहूंगा जैसे अभी डाल रहा हूँ, नो फालतू की controversies, and though of course quality improve करूंगा cause तुमने force किया, एंड मे बी अ सेकेंड चैनल सून। मतलब 1K से मैं यही बोल रहा हूँ कि सेकेंड चैनल बनाऊंगा बट पता नहीं कब बनाऊंगा, बट जल्दी बनाऊंगा। एंड फॉर लाइफ यार मैं स्टडी को यूट्यूब से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ फिलहाल तो, एंड अभी तक मेरा माइंड सेट ऐसा नहीं हुआ दैट मैं यूट्यूब फुल टाइम करूंगा। आई मीन मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन है ये, बट ऑफकोर्स इफ यूट्यूब चैनल और सक्सेसफुल होता है मेरा तो मे बी आई विल कीप यू थूबिंग, वरना नेक्स्ट ईयर MBA करनी थी वैसे तो, अब पता नहीं कोरोना करने देगा या नहीं, बट स्टिल 3-4 साल तो हाथ पैर मारूंगा यूट्यूब पर। हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब ब्रो? आई एम योर बिग फैन, द क्वेश्चन जिसकी वजह से काफी लोगों ने वीडियो पर क्लिक करा होगा। हाँ, काफी लोग मे भी ये जानना चाहते हो, एंड काफी यूट्यूबर्स ऐसे क्लिक बेट करते हैं एंड वीडियोज में अपनी अर्निंग शो नहीं करते, बट मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता। सो या हियर इट इज, मेरे लास्ट 28 दिनों की अर्निंग। आई मीन ऑफकोर्स ये ज्यादा नहीं है बल्कि बहुत कम है, बट क्या करे यूट्यूब इतना ही दे रहा है मुझे तो। आई मीन किसी मंथ में इससे ज्यादा भी मिलता है एंड कई में इससे कम भी, बट एवरेज यही है मेरा तो। काफी लोग शायद इससे ज्यादा अर्न कर रहे होंगे बट मैं नहीं। तो अगर आप लोग बस ये जानने के लिए आए थे तो मत जाओ यार प्लीज, बाकी वीडियो भी देख लो। 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है? वेल, किसी की सुन के तुम स्ट्रीम कभी मत चूज करना, जिसमें इंटरेस्ट है वही करो। 5 साल के बाद जब कॉलेज में एग्जाम सेमेस्टर फेल होते रहेंगे क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट शुरू से ही नहीं था उन सब्जेक्ट्स में, तब ना ही वो रिश्तेदार ना ही वो दोस्त आएंगे तुम्हारे एग्जाम देने जिन्होंने वो स्ट्रीम लेने को कहा था। क्या ज्ञान चोदता हूं मैं यार। बेस्ट एनिमेटर इन इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू यू? गुलाबी दिल। ऑनेस्टली मेरा फेवरेट आज ही बकेट लिस्ट है, बट सबका ही वो फेवरेट हुए जा रहा है यार। मेरे को भी किसी का फेवरेट रहना है। फेवरेट फूड पिज्जा,
फेवरेट एक्टर मैथ्यू पेरी। अब हेट मत करना, मुझे वो पसंद है, हो सकता है तुम्हें ना हो, सबकी चॉइसेस अलग होती है एंड किसी को हेट करो बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस, सो ब्रो यू आर नॉट अ गुड पर्सन। फेवरेट यूट्यूबर टोटल 3 प्यूडीपाई मिस्टर बीस्ट करी मिनाटी। फेवरेट स्मॉल यूट्यूबर आज जी बकेट लिस्ट। फेवरेट एनिमेटर जेम्स। विल यू एवर चेंज योर कैरेक्टर मेकिंग इट बेटर? नहीं, मैं सोच रहा था आई विल चेंज इट एंड मेक इट वर्स नॉट बेटर। ऑफ कोर्स मैं धीरे धीरे चेंजेस लाता रहूंगा व्हेन एवर आई फील लाइक एंड जब कमेंट्स या डीएम में कोई सजेशन अच्छा लगा तो आई विल वर्क ऑन इट ऑफ कोर्स। कैन यू टेल अस हाउ टू एनिमेट इफ यू डोंट हैव एनी स्पेशल टूल्स लाइक ड्रॉइंग टैबलेट और समथिंग? बाय द वे योर वीडियोस आर ओपी, सो इट्स हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज मैं भी बिना टैब के वीडियोस बनाता हूँ। दो मेरी वीडियोस इतनी अच्छी नहीं होती बट स्टिल यू कैन मेक वे बेटर वीडियोस देन मी विदाउट अ टैबलेट, बिकॉज करंट एनिमेशंस भी बिना ड्रॉइंग टैब के वीडियोस बनाते हैं एंड काफी अच्छी बनाते हैं। एंड मैं भाई सीधे बताता हूँ, आई यूज फोटोशॉप। ओके आई नो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है एनिमेशंस के लिए, बट या हाँ स्लोली मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हो जाऊंगा, बट अभी तो फोटोशॉप ही है, तो पूछना बंद करो। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? ऑनेस्टली मेरे को गुस्सा नहीं आता ज्यादा, आई एम काम मोस्टली, बिकॉज अगर कोई कुछ गलत करता है तो मुझे बुरा लगता है, गुस्सा नहीं आता एंड मैं चिल्लाता नहीं किसी पर, मैं बस चुप रहता हूँ एंड दूसरे को खुद एहसास होता है वो गलत है एंड अगर उसे एहसास नहीं होता तो मेरा क्या है? नहीं करे मुझसे बात, अपन चिल्ड है। आपके खुद के वीडियोस में आपका कौन सा फेवरेट है? मेरे को मेरी सारी वीडियोस ही पसंद है, बिकॉज सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट, दो आई हेट सम वीडियोस एंड मैं उन्हें जल्दी ही प्राइवेट कर दूंगा। और कितने कोलैब्स करने हैं? यार कोलैब्स मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज पहला रीजन मुझे दूसरे क्रिएटर को जानने का एंड उनके साथ काम करने से थोड़ा सीखने को भी मिलता है, एंड ऑल्सो अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, दो ज्यादा बड़ा नहीं है, बट उससे दूसरे क्रिएटर की हेल्प हो सकती है तो आई लव डूइंग इट, एंड मेरी भी हेल्प हो जाती है एंड ज्यादा लोग मुझे जान सकते हैं जिससे मैं जल्दी फेमस हो जाऊंगा। हा हा हा। ब्रादर डू यू लव रीडिंग बुक्स? इफ येस देन विच इज योर फेवरेट? ब्रादर आई लव रीडिंग बुक्स एंड माई फेवरेट बुक इज हैरी पॉटर के नॉवल की पूरी सीरीज, दैट्स लाइक 7 बुक्स। रूपा क्यों है? रूपा कहाँ है? रूपा कौन है? रूपा अंडर वियर है। हे ब्रो आई एम फॉलोइंग यू सिंस यू आर न्यू। थैंक यू। रैपिड फायर एनिमे और वेब सीरीज? बोथ। शिनचैन और डोरेमोन? शिनचैन। कीर्ति चो और आई एम रॉकर? कीर्ति चो। ऑड्स वन आउट और प्यूडीपाई? प्यूडीपाई। बीस बॉय शुभ और मिथ पैट? बीस बॉय शुभ। आर यू एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? प्लीज तुम्हें मेरी वीडियोस देख के लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूं। क्या आप पंजाबी हो? नहीं मैं पंजाबी नहीं आवड़, मैंने थोड़ी मती पंजाबी ऑन दिया। भाई आप बहुत अच्छे हो। बाय द वे हाउ डू यू यूज योर डे इन क्वारंटीन टाइम, जो भी कहते हैं? खाओ पियो और सो जाओ, बिकॉज वीडियो बनाने में तो मुझे आलस आता है ना ब्रो। फेवरेट एनिमे कैरेक्टर? बिग फैन। मैं भी बिग फैन ब्रो एंड मेरा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर सायतामा है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाय हाय, एक ये और एक ये। क्यों हर यूट्यूबर के क्यू एन ए में ये क्वेश्चन पूछना है? एक अच्छे इंसान बनो ब्रो, सेंसिबल ह्यूमन बीइंग बनो। क्या आप कभी और किसी यूट्यूबर के साथ कोलैब करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं साइमन सेज के साथ कोलैब करना चाहता हूँ बट वो मेरे साथ नहीं करना चाहता, वो रिप्लाई भी नहीं करता मेरे को। यूट्यूब ड्रामा स्टार्ट कर दूं, वो मेरे साथ कोलैब नहीं कर रहा, उसमें ईगो आ गई है। भाई तेरा एनिमे लिस्ट बता। यार मैंने ज्यादा एनिमे नहीं देखे कॉज मैं वेब सीरीज भी देखता हूँ, मूवीज भी देखता हूँ, हर चीज देखता हूँ, बट स्टिल 8-10 देखे हैं जैसे ड्रैगन बॉल जी, डेथ नोट, वन पंच मैन, माई हीरो अकेडमिया, जिन, हंटर एक्स हंटर, टोक्यो गर्ल एक्सेट्रा। व्हाट्स योर हॉबी एक्सेप्ट यूट्यूब? ध्यान से सुनना, मुझे YouTube के अलावा खाना, पीना और सोना पसंद है। Which game do you play and what device do you use? तो मैं Redmi Note 7 and iPhone 6s use कर रहा हूँ एंड गेम्स में मैं सभी खेल लेता हूँ मोस्टली, बट ज्यादातर PUBG मोबाइल खेल रहा हूँ फिलहाल तो। What's your favorite online game? My favorite online game is Call of Duty Black Ops 2. When can we expect a face reveal? मैंने 10 के सब्स पर फेस रिवील करना था बट कुछ लोगों से बात करने के बाद मेरा मूड चेंज हो गया, सो मैं एक ही माइलस्टोन बता रहा हूँ जिसके बाद मैं पक्का फेस रिवील कर दूंगा एंड मैं कोई बकचोदी नहीं करूंगा एंग्री प्रश की तरह। सो 50K के बाद मैं ऑनेस्टली फेस रिवील कर दूंगा। मुझे कुछ फेस छुपाने में मजा नहीं आता बट मैं ये तभी करना चाहूंगा जब मुझे श्योर हो कि येस आई कैन कीप डूइंग यूट्यूब फॉर अ लॉन्ग टाइम। आइडिया कहाँ से मिला यूट्यूब चैनल का? एक दिन मैं सो के उठा, सुसु करने गया और करते करते आइडिया आ गया। पेरेंट्स देखते हैं क्या तेरे वीडियोस?
नहीं, मेरी माता जी को कोई क्लू नहीं कि उनका बेटा एक यूट्यूब स्टार बन गया है। फेवरेट आईपीएल टीम, फर्क क्या पड़ता है, हर सीजन में तो प्लेयर इधर से उधर कर देते हैं, बट स्टिल मुंबई इंडियंस। सो बस विद अ काम माइंड एंड बॉडी मैं ये Q&A वीडियो यही समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो देख के मजा आया होगा, चरम सुख की प्राप्ति हुई होगी। इफ नहीं हुई तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, वो भी जल्दी आ जाएगी, अब से पक्का रेगुलर भाई, पक्का प्रॉमिस। तो तब तक के लिए मेरी बाकी वीडियोस देखो यार, व्यूज दो मुझे, आई एम व्यूज का प्यासा इंसान। एंड आई होप ये वीडियो देख के आप सब मुझे थोड़े अच्छे से जान पाए होंगे, एंड इफ नहीं जान पाए तो अगले Q&A में अच्छे क्वेश्चन पूछना, एंड सॉरी जिनके क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया। इंस्टाग्राम पर मैं बहुत जल्दी एक आस्क मी एनीथिंग भी करूंगा, तो उसमें पूछ लेना, नो वरीज। And thank you for these hard works. I really, really, really appreciate them. And also be safe from COVID-19. Mask पहनो, हाथ धो लो, बाहर मत घूमो यार, क्यों घूमना है, ठेके खुल गए ठेके तक जाओ, दारू लेके वापस आओ और पियो घर पे बैठ के मजे से। And बस, so this is it for today. Hope you guys enjoyed and bye bye till we meet next time.